आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंटर। एक्चुअली आउटपुट डिवाइस जब हम लोग पढ़े थे उस समय मॉनिटर को हम लोग कवर किए थे, प्रिंटर को मैंने बोला था इसका हम सेशन बाद में करेंगे। तो बहुत सारे कमेंट आए कि फंडामेंटल पहले कंप्लीट कर लिया जाए, तो इसलिए मैंने प्रिंटर को भी मैं कवर कर ले रहा हूँ, और जो भी फंडामेंटल में सेशन छूट रहे हैं उनको भी हम आने वाले सेशन में कवर कर लेंगे। तो इस सेशन में प्रिंटर को समझने के लिए आपको इस सेशन के लास्ट तक बने रहना है, तो आपको समझ में आ जाएगा टाइप्स ऑफ प्रिंटर कितने टाइप्स के हैं, इनके काम कैसे होते हैं और कैटेगरी क्या क्या है इनके। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज़ प्रिंटर? सबसे पहले हम जानें प्रिंटर होता क्या है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस आप बोल सकते हैं, जो स्पेशली इसका काम क्या होता है, किसी भी सॉफ्ट डाटा को हार्ड डाटा में कन्वर्ट करता है, राइट? अब सॉफ्ट क्या होता है, जैसे आपको आपने कोई काम किया, कोई डॉक्यूमेंट आपने रेडी किया, मॉनिटर पे आया, वो हार्ड सॉरी सॉफ्ट आउटपुट है। अगर उसको आपने प्रिंट कर लिया कंप्यूटर से तो वो क्या हो जाएगा, हार्डली प्रिंट हो जाएगा, तो उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, राइट? तो प्रिंटर एक हार्ड आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच कन्वर्ट द सॉफ्ट कॉपी इंटू हार्ड कॉपी, ऑल्सो इट कन्वर्ट्स डिजिटल कॉपी इंटू फिजिकल कॉपी। मतलब डिजिटल है जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसको फिजिकल इंफॉर्मेशन में, मतलब पेपर आ जाएगा आप उसको टच कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम हार्ड कॉपी या फिजिकल कॉपी भी बोलते हैं। प्रिंटर को स्पेशली दो कैटेगरी में बांटा गया है। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करें, दो कैटेगरी में इनको बांटा गया है इनका टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दोनों में अंतर क्या होता है इसको आपको बारीकी से समझना है। बस ये समझ लीजिए, इम्पैक्ट मतलब क्या है, जो इम्पैक्ट कर सकता है ना, जो इम्पैक्ट कर सके उसको इम्पैक्ट प्रिंटर। कैसा इम्पैक्ट? मतलब अगर आपको कोई टच कर रहा है ना, तो इम्पैक्ट कर रहा है वो। एक क्या होता है, एक टच करके इम्पैक्ट करना, एक कुछ बोल करके दूर से इम्पैक्ट करना, तो वो दो चीज़ें हैं ना। यहाँ पे इम्पैक्ट का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं टच से रिलेटेड है, जिसमें कुछ टच कर रहा है। क्या चीज़ टच कर रहा है मैं बता दूँ, प्रिंटर के अंदर इसके मैकेनिज्म में अगर हम जाएंगे तो इसके अंदर एक हेडर होता है, राइट? एक प्रिंट हेड बोलते हैं उसे, प्रिंट हेड रहता है, और एक रिबन होता है। रिबन जो प्रिंट हेड के ऊपर रिबन होता है, रिबन के ऊपर ही कार्ट्रिज लगी होती हैं। अब कार्ट्रिज क्या होती है, कार्ट्रिज में ही हमारा इंक होता है, वही हमारे पेपर पे प्रिंट करता है। तो जो हमारा पेपर होता है इस केस में इम्पैक्ट प्रिंटर में, जो हमारा पेपर होता है वो रिबन पे टच करता है, ठीक है? और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये रिबन पे टच नहीं करता है। यहाँ पे कुछ स्प्रे जैसे ऐसी चीज़ें होती है जो दूर से स्प्रे करती है, कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई फिजिकल कांटेक्ट इसके अंदर नहीं होती है। किसके बीच में? रिबन एंड पेपर के बीच में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें फिजिकल कांटेक्ट होती है। किसके? प्रिंटर विच हैव फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड रिबन ऑन कार्ट्रेज एंड पेपर, है ना? रिबन और पेपर के बीच में क्या होती है, कांटेक्ट होती है, फिजिकल कांटेक्ट, टच करता है पेपर उसी पे, तभी उस पे इंक क्या होती है, प्रिंट करती है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, तो फिर प्रिंट कैसे करता है, स्प्रे से करता है। यहाँ पे स्प्रे कुछ होती है जो पेपर पे जाके स्प्रे करती है डॉटेड फॉर्म में, तो ये प्रिंट होती है। इसको हम आगे समझेंगे इसको कैसे करती है, राइट? तो आई होप ये क्लियर हो गया आपका कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर आर दोज प्रिंटर विच हैव फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड रिबन ऑन द कार्ट्रेज एंड पेपर, राइट? एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, राइट? अब प्रिंटर की पूरी क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर इनको कैटेगराइज करेंगे तो आप देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, फिर से आप देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये जो होती है इनकी तीन टेक्नोलॉजी होती है, आपको ये समझना रहेगा। तीन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो होती है
क्या कैरेक्टर प्रिंटर, ये कैरेक्टर वाइज प्रिंट करती है, एक लाइन प्रिंटर होता है और एक पेज प्रिंटर होता है। मतलब अगर टेक्नोलॉजी में डिवाइड करेंगे तो केवल तीन ही टाइप्स के हमारे प्रिंटर होते ही हैं, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे इनके ब्रांड तो अलग अलग ब्रांड है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी वाइज देखेंगे तो तीन तरह के हैं। ठीक है, कौन कौन? एक कैरेक्टर वाइज है, एक लाइन वाइज लाइन है, लाइन बाय लाइन करेगा, और एक पेज पूरा एंटायर पेज को ही करेगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर में देखेंगे आप, कैरेक्टर प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है, राइट। यहाँ पे अगर आप नॉन इम्पैक्ट में देखेंगे कैरेक्टर प्रिंटर है और पेज प्रिंटर है, तो तीन टाइप्स के प्रिंटर आप देख सकते हैं, दोनों में डिवाइड कर दिया गया है ना। अब ये मत समझना कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर है और यहाँ नॉन इम्पैक्ट में कैरेक्टर प्रिंटर, तो दोनों एक ही जैसे नहीं, इनका जो है इनका काम करने का तरीका तो एक ही रहेगा, लेकिन क्या है, टेक्नोलॉजी तो एक ही है बट इसमें फिजिकल कांटेक्ट रहेगा, इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहेगा रिबन और पेपर के बीच में, राइट। ये इसमें स्प्रे रहेगा, ये चीज है। तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर पहले आता था वो है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कैरेक्टर प्रिंटर क्या है, इंकजेट प्रिंटर, और यहाँ पे पेज प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है लेजर प्रिंटर, और सबसे बेस्ट क्वालिटी भी रहता है। तो कैरेक्टर दोस प्रिंटर विच प्रिंट पेपर कैरेक्टर वाइज, है ना। टाइपराइटर का एग्जाम्पल है, टाइपराइटर अगर आप देखे होंगे पहले कचहरी वगैरह में रहता है, आप जाके देख सकते हैं, तो अभी तो बहुत कम हो गया, वहाँ भी नहीं है, कंप्यूटराइज हो गया, नहीं तो टाइपराइटर मशीन जैसे ये काम करता है एक एक कैरेक्टर वाइज। लाइन प्रिंटर लाइन बाय लाइन ये प्रिंट करेगा, इसका एग्जाम्पल होता है चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ये इनके एग्जाम्पल हैं। और पेज प्रिंटर दोस प्रिंटर विच प्रिंट होल पेपर एट अ टाइम, पूरे पेपर को ले लेता है, इसका एग्जाम्पल है लेजर प्रिंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये हमारे प्रिंटर के अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। अब हम बात करते हैं एक एक प्रिंटर के टाइप्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स कौन कौन है, डॉट मैट्रिक्स है और लाइन प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप देख सकते हैं, देख के ही मुझे लगता है बहुत सारे लोग आप लोगों में से देखे होंगे इसको, और कहाँ पे देखे होंगे ये भी मैं याद दिला देता हूँ आपको, अगर याद नहीं आया अभी तक तो रेलवे स्टेशन में अगर आप गए हों, टिकट कटाए हों, तो वहाँ पे ये ज़रूर आप देखे होंगे, ठीक है। वहाँ पे ये यूज़ होता है, अभी भी यूज़ होता है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और इसकी खासियत ये होती है, इसकी क्वालिटी तो अच्छी नहीं होती है, बट ये मार्जिन ऑफ जो प्रिंट होता है बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि उस पर इंक बहुत कम यूज़ होता है। और यहाँ पे पेपर रहता है, बंडल का पेपर रहेगा, ये निकलेगा इधर से, है ना, और इसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है, रिबन पे ये पेपर अटैच होके निकलती है ऐसे। तो टिकट के लिए गुड एग्जांपल है, ठीक है। इट हैज़ एन एरे ऑफ पिंस विच हेल्प्स टू प्रिंट द पेपर विथ टीनी डॉट्स। रेलवे टिकट के लिए इसका एग्जांपल, इसका स्पीड जो होता है सीपीएस में होता है, सीपीएस बोले तो क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट करेगा, तो 100 से लेके 600 तक करता है। दूसरे प्रिंटर की अगर बात करें हम, तो ये लाइन प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर जो होता है ये आप ड्रम प्रिंटर के बारे में, पोस्टर वगैरह के लिए, ये अगर ये लार्ज स्केल पे अगर आपको प्रिंट करना है, ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिंट करना रहता है हमें, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया रहता है लाइन प्रिंटर, ये मार्जिन बहुत ज़्यादा देता है। दे आर यूज बाई ऑफिस वेयर दे नीड टू प्रिंट डाटा एट लार्ज स्केल, पोस्टर्स, राइट, बहुत ज़्यादा, ड्रम प्रिंटर इसको बोलते हैं, ज़्यादा प्रिंट करना है तो ये प्रिंटर है। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर रहता है, लेकिन ये इसका मार्जिन ज़्यादा रहता है। इसकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, देखिए 1200 लेके 6000 LPM, LPM का मतलब होता है लाइन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना लाइन ये प्रिंट करेगी, बहुत फास्ट होगा ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप देखेंगे इंक जेट है और लेजर प्रिंटर होता है। इंक जेट प्रिंटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादातर ऑफिस में आप इसी को देखते होंगे, ठीक है। और इसका भी स्पीड, ये भी एक कैरेक्टर प्रिंटर है, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं इंकजेट, ये भी एक कैरेक्टर प्रिंटर है। तो जो कैरेक्टर प्रिंटर रहेगा उसका यूनिटी क्या रहेगी,
कैरेक्टर पर सेकेंड CPS में, तो इसका स्पीड जो रहेगा 250 कैरेक्टर पर सेकेंड, तो बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं रहेगी। आप देखते होंगे जब पेपर लेता है तो ठक से आवाज़ करेगा, फिर पेपर वो करेगा लेगा, और बहुत ज़्यादा फास्ट ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहता है, ये काम तो डॉट मैट्रिक्स जैसे ही करेगा लेकिन फिजिकल कांटेक्ट इसमें नहीं रहेगा। ये प्रिंट आउट जो रहेगा इसको इसके पेपर पे स्प्रे करेगा, ठीक है। रिबन सेक टेक्नोलॉजी जो स्प्रे करेगा और वही स्प्रे जो है एक कैरेक्टर वाइज बन जाती है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, वही प्रिंट होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। लेजर प्रिंटर क्या होता है, इसमें एक लेजर बीम होता है और जो क्या करता है हमारे टोनर को हीट करता है, ठीक है, और उसके बाद ये प्रिंट प्रोड्यूस करता है पेपर पे। और इसकी स्पीड जो होती है ये 1 आवर पर आवर आप देख सकते हैं 6000 से लेकर 12000 पेजेस पर आवर इतना ज़्यादा प्रिंट कर सकती है, ठीक है। तो ये लेजर प्रिंटर थोड़ा एक्सपेंसिव आता है लेकिन इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो होती है सस्ती होती है। आप ये ऐसे अंदर लगा सकते हैं, जो प्रिंटर ज़्यादातर आप देखेंगे प्रिंटर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, जो प्रिंटर एक्सपेंसिव होता है उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट सस्ती होती है, बट जो प्रिंटर चीप होता है उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट महंगी होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, पहले ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं या बाद में हमेशा चाहते हैं खर्च करते रहें, ठीक है। तो वही चीज़ है। और इसके बाद हम बात करते हैं थर्मल प्रिंटर की। तो थर्मल प्रिंटर जो होता है, आपको एग्जांपल के लिए मैं बता दूं तो गुड एग्जांपल है बस में कंडक्टर के पास में रहता है। कुछ बसेस में आप देखेंगे कंडक्टर जो हमें टिकट देते हैं वहाँ पे तुरंत वो लिखते हैं, वो जो थर्मल प्रिंटर होता है। तो दो तरह का ये थर्मल प्रिंटर आता है, एक जो होता है ये थर्मल वैक्स ट्रांसफर प्रिंट, ये होता है वैक्स रहता है, वैक्स जो रहता है हमारे पेज पे आके, तो देखते होंगे टिकट जब लेते हैं तो वो थोड़ा सा तुरंत प्रिंट करके उस पर अगर रफ करो तो वो मिट जाता है, ठीक है, क्योंकि वो वैक्स रहता है, वो इंक नहीं रहती है, ठीक है, तो मिट जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद जो है अगर वो ठंडा हो जाएगा इंक तो परमानेंटली हो जाएगा, फिर नहीं मिटेगा वो। कभी भी टिकट तुरंत लेके आप देखना उसको रफ करना, वो मिट जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से नहीं मिटेगा लेकिन मिटेगा, वो धुंधला हो जाएगा, नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। और एक होता है डायरेक्ट थर्मल, इसका एग्जांपल आप देखेंगे किसी मॉल वगैरह में जाएंगे, अगर आप कोई देखते होंगे बिलिंग करते हैं लोग, बारकोड रीडर रहता है, तो बार कोडिंग से जैसे वो स्कैन करेंगे तो वो चीज़ें जो होती है प्रिंट बिलिंग वगैरह का प्रिंटर प्रिंट करना वो इसी प्रिंटर से होता है, ठीक है, डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर होता है। तो इस प्रिंटर में क्या होती है, इन दोनों प्रिंटर में वैक्स होती है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है वर्चुअल प्रिंटर, और ये वर्चुअल प्रिंटर जो होता है इसके लिए आप जैसे मान लो आपके पास कोई प्रिंटर नहीं है और आपको कोई चीज़ प्रिंट करके मेल करना है कि अगला कोई प्रिंट कर ले कभी भी है उनके कंप्यूटर में, तो उसके लिए आप XPX उसका एक फॉर्मेट होता है, आप इस फॉर्मेट में प्रिंट करके सेव कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। जैसे PDF में सेव होता है वैसे आप XPS में भी सेव कर सकते हैं। XPS जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं MFD, मल्टी फंक्शनल डिवाइस होता है MFD प्रिंटर। इसमें क्या होता है, ये 4-in-1 होता है, इसमें आप प्रिंट भी कर सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो और जीरोक्स भी कर सकते हो, यहाँ तक कि 4-in-1 आ रहा है उसमें फैक्स भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए होता है, स्कैनर का भी काम करेगा, जीरोक्स का भी काम करेगा और ये फोटोकॉपी भी कर लेगा और ये प्रिंट तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसको MFD, आज के डेट में ज़्यादातर MFD प्रिंटर ही आ रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। प्रिंटर की जो सर्विसेज होता है, आप रन में जाके services.msc करेंगे और वहाँ पे आप जो प्रिंटर के क्यू होते हैं उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है या स्पूलिंग में प्रॉब्लम, स्पूलिंग को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम ऐसे आता है तो ट्रबल शूटिंग के लिए हम लोग services.msc में जाके प्रिंटर को चेक करते हैं, रीस्टार्ट कर दीजिए या स्टॉप कर दीजिए, तो स्टॉप कर देंगे तो प्रिंट ही नहीं होगा। अगर किसी के प्रिंटर में जाके आप services.msc करके प्रिंटर जो है उसको आप स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कर देंगे तो प्रिंट ही नहीं होगा उससे, ठीक है, तो उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा बाद में। तो ये हमारे क्या होते हैं प्रिंटर के टाइप्स और इनके अलग अलग कैटेगरी। अब हम बात करते हैं
प्रिंटर अगर आपको लेना है तो एक चीज़ और, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कनेक्टर, प्रिंटर के कनेक्टर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये सीरियल पोर्ट आता था, पहले 9 पिन का था या फिर बाद में ये 24-25 पिन का। अभी भी आप मदरबोर्ड में देखेंगे पुराने टाइप्स के मदरबोर्ड में, उसमें 25 पिन का, उसको एक्चुअली पैरेलल पोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट जो है 40 पिन का भी आता है, ठीक है। तो पैरेलल पैरेलल पोर्ट में दो है, एक 25 पिन है और दूसरा 40 पिन का। और इसके बाद जो है एक यूएसबी पिन जो 4 पिन का होता है, पेन ड्राइव जिसमें आप लगाते हैं, आज के डेट में सारा प्रिंटर तो यही आ रहा है, यूएसबी ही आ रहा है। और इसके बाद अगर बात करो नेटवर्क प्रिंटर होता है, जिसको लैन प्रिंटर के नाम से जानते हैं, 8 पिन का रहेगा, RJ45 जैक जैसे रहेगा, आप वो आपको एक केबल इसमें लगाना रहेगा और एक स्विच में अपने लगा दो, नेटवर्क प्रिंटर जैसे काम करेगा ये, ठीक है। कहीं से कोई प्रिंट कर सकता है, अगर सर्वर है तो सर्वर पॉलिसी परमिशन देगा, उसके बाद यूज़र प्रिंट, अगर सर्वर नहीं है तो कोई भी प्रिंट कर सकेगा, ठीक है। और इसके बाद एक होता है वायरलेस प्रिंटर, जिसमें वायर ही नहीं रहेगा, डायरेक्ट उसको कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा, तो कोई भी जो भी वायर वायरलेस में उस नेटवर्क में है वो भी प्रिंट कर पाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग इसके क्या हैं, इंटरफेसेस हैं। तो जो भी इंटरफेस आपको आज के डेट में ज़्यादातर नॉर्मली यूएसबी आपको मिलेगा। अगर हम बात करते हैं प्रिंटर लेना है ना, तो कैटेगरी ऑफ प्रिंटर बेस्ड ऑन स्पीड, स्पीड किस पे निर्भर करेगी है ना, ये इसके स्पीड, एक सीरियल प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है और पेज प्रिंटर है, तीन टेक्नोलॉजी है। पेज प्रिंटर जो है आप पढ़ें उसका स्पीड क्या क्या है, आप देखिए देख लिए हैं इसको ऑलरेडी। और हम बात कर लेते हैं इसमें अगर आप प्रिंटर खरीदना चाहते हैं तो आप क्या देखेंगे इसमें, इनके प्रिंटर की कॉस्ट देखेंगे, आपको क्या क्या देखना रहेगा, कॉस्ट देखेंगे, आप स्पीड देखेंगे, प्रिंटिंग क्वालिटी देखेंगे और ग्राफिक प्रिंटिंग एबिलिटी देखेंगे, किस लेवल का ये ग्राफिक प्रिंट कर पाएगा। सबसे पहला ध्यान हमारा जाता है कॉस्ट पे कि कौन सा प्रिंटर सस्ता है ना, उसके बाद जाता है स्पीड, अगर सस्ता है, बहुत सस्ता है तो बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, तो इसलिए थोड़ा स्पीड भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, कितना CPS है, अगर कैरेक्टर प्रिंटर है तो कितना CPS है, लाइन प्रिंटर रहेगा तो LPM रहेगा है ना, और लेजर प्रिंटर है तो क्या फिर पर आवर वो हिसाब से करेगा प्रिंट हो। प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है ये जो होती है DPI में होती है, डॉट पर इंच, मतलब एक इंच में कितने डॉट प्रिंट करेगा, ठीक है। तो DPI होता है 300 DPI, 600 DPI, 1200 DPI, अलग अलग जो है DPI के प्रिंटर होते हैं। तो जब प्रिंटर आप लेंगे तो DPI भी आपको देखना है, कितने DPI का प्रिंटिंग क्वालिटी है इसका, अगर प्रिंटिंग DPI ज़्यादा रहेगा तभी ये ग्राफिक प्रिंटिंग एबिलिटी उसके पास रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले प्रिंटर कौन सा आया था, सबसे पहले प्रिंटर एप्सन का आया था और आज भी एप्सन का प्रिंटर ठीक ठाक चल रहा है, कैनॉन या एप्सन यही प्रिंटर ज़्यादा चल रहे हैं। अगर सर्वर में प्रिंटर की बात करें, नेटवर्क प्रिंटर, तो ब्रदर वगैरह चल रहे हैं, बट नॉर्मली आप देखेंगे कैनॉन का प्रिंटर और एप्सन का प्रिंटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। वैसे तो सैमसंग का भी प्रिंटर आता है, HP का प्रिंटर आता है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रिंटर एप्सन एंड कैनॉन इस समय ब्रांड में, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रिंटर के टाइप्स। और अब आपसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, कार्ट्रिज का काम क्या होता है, कार्ट्रिज क्या होता है, ठीक है। और प्रिंटर में अगर इंक ख़त्म हो गई, मतलब प्रिंट नहीं हो रहा है, तो इंक कहाँ पे डालेंगे हम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रिंटर में इंक के अलावा और क्या होता है, कितने टाइप्स की इंक होती है, मतलब कितने टाइप्स की कलर होती है, प्रिंटर में कितने टाइप्स का कलर होता है, ये चीज़, ये तीन क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, ठीक है। सो आज के सेशन बस इतना ही, थैंक यू सो मच।